रूहे पाक उतरा। अभी कुछ देर पहले मैंने पाकिस्तान में पेपल सीक्रेट्स और पाकिस्तानी चर्च पर एक वीडियो की थी और मैंने वो अपलोड की, और मेरे किसी दोस्त ने जब वो वीडियो देखी और उसने मुझे ये मशवरा दिया कि वो फ्रांसिस आजकल सीक्रेट्स की बात नहीं करते, वो ओपननेस की बात करते हैं। और आई लव दैट आइडिया कि जो पेपल सीक्रेट्स हैं जो किसी ज़माने में हुआ करती थी और आज तक हैं, हमें उन पर फोकस करने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा ओपननेस की बात करनी चाहिए, और जिसमें ले यो आमतुल मोमिनीन को इन्वॉल्व करने की बात करनी चाहिए। बिशप्स बनाने का जो प्रोसेस है ये इतना पुराना है कि जिसमें लोगों की बहुत कम शमूलियत है, और ये इस इशू को पब्लिक नहीं किया जाता बल्कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा छुपा कर किया जाता है। वेटिकन सेकंड के जो तमाम डॉक्यूमेंट्स थे, और इसमें दुनिया के जितने भी बिशप्स और कार्डिनल्स ने और ले लोगों ने शिरकत की, इस तमाम काउंसिल का मकसद ये था कि चर्च के दरवाजे और खिड़कियां खोले जाएं ताकि अंदर फ्रेश हवा आ सके, ताज़ा हवा आ सके। ताज़ा हवा का मतलब है नए ख्याल, नए लोग, नई सोचें, नए ख्वाब, नई डायरेक्शन। और अभी तक हम प्री वेटिकन जो तरीकाकार था बिशप्स को चुनने का, उसी से चिमटे हुए हैं, और वेटिकन में पोप फ्रांसिस यही कोशिश कर रहे हैं कि एक नया निज़ाम लाया जाए जिसमें चर्च के अंदर ओपननेस हो, जिसमें लोगों का ख़ास तौर पर आमतुल मोमिनीन का किरदार बढ़े। तो पता नहीं कितनी हद तक आमतुल मोमिनीन का बिशप्स के मुंतखब होने में किरदार होता है। कोई मेरा ख्याल 10-12 ले लोग होंगे जो जब बिशप्स की इन्वेस्टिगेशन होती है या आखिरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो उसमें इन्वॉल्व होंगे। बाकी तो ज़्यादा क्लर्जी और इनके अपने लोग होते हैं जो बिशप को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इस काम में पेपल सीक्रेसी के बजाय हमें ज़्यादा ओपननेस पर बात करनी चाहिए ताकि लोगों को मालूम हो कि बिशप कौन और किस तरह और क्यों इसे बिशप बनाया जा रहा है लोगों को। क्योंकि इब्तदाई कलीसिया में जो बिशप थे वो लोग चुनते थे, उसे रोम से पापा आजम या बिशप मुकर्रर नहीं करते थे, बल्कि लोग अपने लीडर को खुद चुनते थे। आइए हम दुआ करें कि पाकिस्तान में भी इस तरह की कलीसिया आए कि लोग अपने बिशप का इंतखाब खुद करें। इस वीडियो को देखें, शेयर करें और इस पर कमेंट करना ना भूलें। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आमीन।